अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। गुरुजी और माँ में से पहले किसे प्रणाम करें? देखिए, सबसे प्रथम जो हमारा धर्म सिखाता है, मातृभव, गुरु भव, मातृदेव भव, मातृदेव भव। तो हम सबसे उठते पहले, जब तक संसार में रह रहे हैं, संसार से हमारा व्यवहार है, तब तक तो भाई माँ का ही प्रणाम हमको स्वीकार करना चाहिए। और हम विरक्त हो गए अध्यात्म जगत में तो आ गए, तो फिर सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अगर उस समय भी हमारी माँ से मात्सल भाव जग रहा है हमारे अंदर, तो आप प्रणाम कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ पहले गुरु को ही। बिल्कुल बिल्कुल। मात, देखिए राम जी के ये चरित्र में देखिए, मात पिता गुरु नावै माथा, प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। तो ये तो स्पष्ट शास्त्र बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को उसमें जॉइंट कर देते हैं। तो भैया हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, अपनी बुद्धि को मत जोड़िए, आप विवेक को जागृत करें, विवेक के द्वारा चलें। विवेक एक बार कहता है और मन बुद्धि बार बार कहते हैं, तो जो विवेक कहकर के शांत हो गया है वो हमारा गुरु। गुरु भी एक बार ही कहता है, बार बार गुरु भी नहीं कहता है। जो बार बार कह रहा है वो हमको धोखा दे रहा है, सावधान, क्यों कह रहा है बार बार। तो इसलिए एक बार जो बात है, पहले प्रथम माता, आप गृहस्थ में रह रहे हो, माता है या सास है, हमारा क्या बिगड़ता है। अरे किसी के भी चरण छूते वो आशीष ही तो देगा। माता की तो बात छोड़ो, किसी के भी अब अगर झुकेंगे किसी सामने तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वो झुका रहता है, और जिस पर फल नहीं होते वो तना रहता है। तो हमारा आज जो संस्कृत है उसको न मान करके हम लोग अन्य देशों की शिक्षा को ग्रहण करने जा रहे हैं, ये हमको बड़ा खलती है बात। महाराज जी कहेंगे ये समय ले रहे हैं, लेकिन मेरे को खलती है बात कि हम अन्य देशों को तो विश्वास कर लेते हैं, नहीं वो देश ठीक है, अपने देश की संस्कृति विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। अरे भैया जो कोई हमको बुजुर्ग मिले, बड़ा मिले, अपने से बड़ा है, जबकि हमारे यहाँ तो कहा है तृण सम समझे आपको और सोई अपनो जान। जो हमको तृणक की समझ समझ रहा है, छोटा, सबसे छोटा समझ रहा है, और बन करके भी हमारी संस्कृति में लिखा है छोटा बन करके ही रहना चाहिए। जो छोटा है वही बड़ा बनता है, और जो बड़ा है वो बार बार गिरता है।